Hello students, this is the final part for UGC NET 2012 December Electronic Science Paper 2. यहाँ पर हम लोग 41 क्वेश्चन से 50th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे. तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 41 क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है. इसमें आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. आपको मैचिंग परफॉर्म करनी है. तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो while one मीनिंग क्या होती है, हम पढ़ते हैं ना while loop, for loop. तो while one मतलब इनफिनाइट टाइम्स रन करेगा ये आपका, ठीक है ना. one लिखा है ना, मतलब ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा आपका. तो इनफिनाइट टाइम आपका रन कर जाएगा. तो ये आपका 2 के साथ ए चला जाएगा हमारा. नेक्स्ट है आपका पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम प्रेसिडेंस को चेंज कर सके. क्लियर है पॉइंट. तो जैसे सपोज करिए आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इनटू सी है, ठीक है. सिंपल सा एग्जांपल देख रहा हूं आपको रियल लाइफ से. तो यहां पर हमको पता है कि अगर हम नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बी इनटू सी पहले परफॉर्म होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर पैरेंथेसिस अप्लाई कर दूं तो ए प्लस बी पहले परफॉर्म होगा. तो चेंज ऑफ प्रेसिडेंस, तो यहां पर पैरेंथेसिस 3 के साथ चला जाएगा बी. ओके, नाउ स्विच केस. स्विच केस हमें पता है कि जब हमें मल्टीपल प्रोसेसिंग यूज करनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, आपका स्विच केस, ठीक है ना. सी में हम पढ़ते हैं स्विच केस. तो ये हो जाएगा आपका सी. इफ देन, ऑब्वियस सी बात है, ऑन ऑफ कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन ही बच गया है, बट आप सोच भी सकते हैं इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप ये काम करिए, इफ अदर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप वो काम करिए. तो ऑन ऑफ कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन, तो आपका डी हो जाएगा 1 के साथ. तो अब अगर हम लोग ऑप्शन चूज करें करेक्ट वाला, तो आपका जो ए है, ए जा रहा है 2 के साथ. तो आप देख सकते हैं ए 2 के साथ ऑप्शन नंबर सी में भी जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी. उसके बाद जो बी है वो 3 के साथ जा रहा है, मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा. सी 4 के साथ जाएगा, सी आप देख सकते हैं 4 के साथ गया है, और डी जो है वो 1 के साथ गया है. बिल्कुल करेक्ट है 41 का ऑप्शन नंबर सी. नाउ यहां पर अब आप देखिए डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस ई, डेल डॉट डी एंड डेल डॉट जे. ये जो क्वेश्चन है आपका ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है. तो यहां पर अगर हम देखें डेल क्रॉस एच, हमें पता है मैक्सवेल इक्वेशन से डेल क्रॉस एच क्या होता है आपका, जे करंट डेंसिटी. तो देख लीजिए ये आपका चला जाएगा 2 के साथ ए. डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई अगर मैं बात करूं आपके टाइम वेरिंग फील्ड के लिए तो होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है ना. ये भी आपका एक मैक्सवेल इक्वेशन ही है, इसे हम क्या कहते हैं, फेराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन. तो ये चला जाएगा बी 3 के साथ. डेल डॉट डी, ये हमें पता है दिस इज योर गॉस लॉ. तो डेल डॉट डी क्या होता है आपका, रोवी. तो यहां पर जो आपका सी है वो 4 के साथ चला जाएगा. नाउ डेल डॉट जे, डेल डॉट जे हमें पता है दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये क्या होता है माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी, ठीक है. तो यहां पर आपका ये चला जाएगा 1 के साथ डी जो है, ठीक है. तो अगर आप यहां पर अब मैच कर लें तो जो ए है आपका वो कहां गया है, 2 के साथ. तो ए आपका 2, बी या सी ऑप्शन हो सकता है. उसके बाद जो बी है वो 3 के साथ गया है, तो बी या सी अगेन दोनों में वैलिड है ये. सी जो है वो 4 के साथ गया है, और जो डी है वो 1 के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है 42nd क्वेश्चन का करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूपीएसके, हैमिंग कोड, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है ये आपका. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका क्यूपीएसके है, क्यूपीएसके क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट किंग, नाम से क्लियर है. देखिए आप क्वाड्रेचर 90 डिग्री, क्वाड्रेचर मींस क्या होता है 90 डिग्री. तो ये आपका चला जाएगा ए, ठीक है ना. हम लोग पहले हम लोग बीपीएसके स्टडी करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में. उसके बाद बीपीएसके जो होता है उसमें आपके 2 सिंबल्स होते हैं. फिर हम लोग क्यूपीएसके पढ़ते हैं जहां पर हमारे 4 सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना, एन इक्वल टू 2 बिट्स के लिए. नाउ नेक्स्ट है आपका हैमिंग कोड. हमें पता है हैमिंग कोड जो है वो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है.
ऑब्वियस सी बात है, जब आप एरर करेक्ट कर लेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि आपने पहले एरर डिटेक्ट की होगी, तो हैमिंग कोड कहाँ चला जाएगा आपका, एरर करेक्शन के साथ. नाउ सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, ये एक्चुअल में एक रिसीवर होता है, ठीक है ना. जब हम AM और FM रिसीवर पढ़ते हैं तो सुपर हेटरोडाइन रिसीवर एंड TRF रिसीवर, ये दो तरह के रिसीवर्स हम स्टडी करते हैं. तो सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में एक टर्म होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF, जो कि AM मॉड्यूलेशन के लिए कितना होता है आपका, AM के लिए हमारा होता है 455 किलोहर्ट्ज़, और FM के लिए कितना होता है हमारा 10.7 मेगाहर्ट्ज़. तो ये एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को माइनस करके कैलकुलेट की जाती है, ठीक है. तो ये सुपर हेटरोडाइन रिसीवर जो है IF के साथ मैच हो जाएगा आपका C. नाउ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, FM में हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन स्टडी करते हैं. फ्रीक्वेंसी डेविएशन ∆F से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, ठीक है ना. तो आप देखेंगे अगर चारों ऑप्शन आपके मैच हो चुके हैं अब, ठीक है ना, लिस्ट वन लिस्ट टू में, तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन अब आप चूज करने जाएंगे तो जो A है वो 4 के साथ जा रहा है, तो ABD कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. B जो है वो जा रहा है आपका 3 के साथ, तो B जो है 3 के साथ अगर जा रहा है आपका, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर D ही बस करेक्ट हो सकता है. आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर D इज राइट. C जो है आपका 2 के साथ चला गया, आप देख सकते हैं, और D जो है वो 1 के साथ, तो 43 का ऑप्शन नंबर D. नेक्स्ट देखिए आप 44 के लिए. 44 में आपको रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर दिया है, SMPS दिया है, पॉपुलेशन इन्वर्जन दिया है, बाई डायरेक्शनल कंट्रोल दिया है. तो ये आपका EDC एनालॉग से ही मिलता जुलता टॉपिक है आपका, ठीक है ना. रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की अगर बात की जाए यहां पर, तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर मतलब UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना. तो ये आपका 3 जो हो जाएगा A के साथ जाएगा. नाउ SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसमें कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा रिलेट आपका PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन के साथ, क्लियर है. पॉपुलेशन इन्वर्जन, हम जानते हैं कि लेजर में हमें क्या चाहिए होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लेजर के लिए. पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है आपका, कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में होने चाहिए एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड, ठीक है. तो ये लेजर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन. नाउ बाई डायरेक्शनल कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ट्रायक की थ्योरी पढ़ी है तो बाई डायरेक्शनल कंट्रोल आपका किससे रिलेट हो जाएगा, ट्रायक से. तो यहां पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. A देखिए 3 के साथ जा रहा है, B किसके साथ जा रहा है हमारा, B जा रहा है 1 के साथ, तो ऑप्शन नंबर A या D दोनों करेक्ट हो सकते हैं. C किसके साथ जा रहा है आपका, C जा रहा है 4 के साथ, तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा, और D जा रहा होगा आपका 2 के साथ, बिल्कुल करेक्ट है, 44 का ऑप्शन नंबर A. नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आप ये आपका मेजरमेंट टॉपिक में से है आपका, स्ट्रेन मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, लेसाजियस फिगर, EMG, ओके. तो यहां पर अगर आप देखें स्ट्रेन मेजरमेंट, तो ये आपका लोड सेल से रिलेट होता है स्ट्रेन मेजरमेंट, ठीक है ना. अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे स्ट्रेन मेजरमेंट की तो आप रिलेट कर पाएंगे इसे लोड सेल के साथ. टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट ये आपका रिलेट हो जाएगा PT 100 के साथ. नाउ लेसाजियस फिगर्स, ये आपका रिलेट होता है CRO के साथ. ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है, जैसे ही आप CRO स्टडी करेंगे आपको बहुत ही बेसिक, मतलब आप CRO स्टडी अगर कर रहे हैं, चाहे आप गेट के लिए मेजरमेंट में कर रहे हों CRO की स्टडी, या आप UGC नेट के लिए मेजरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप CRO की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये दिख जाएगा लेसाजियस फिगर CRO के साथ आपका रिलेट होता है. EMG ये आपको पता होना चाहिए, बायोमेडिकल सिग्नल्स के साथ आपका रिलेट हो जाएगा, क्लियर है. तो EMG जो हो जाएगा रिलेटेड विद बायोमेडिकल सिग्नल, तो यहां पर आ जाएगा D. तो अगर मैं देखूं अब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपका जो A है वो 2 के साथ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर B ही आपको करेक्ट दिख रहा होगा. B जो है फिर 1 के साथ जाएगा, C जो है 4 के साथ, बिल्कुल करेक्ट है, और D जो है वो 3 के साथ, बिल्कुल करेक्ट. तो 45 का ऑप्शन नंबर B जो है वो आपका करेक्ट है.
नाउ 46 से 50 तक आपको एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज को स्टडी करने के बाद आपको आंसर देना है. वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पैसेज पहले से स्टडी कर लिया है इस वीडियो को बनाने से पहले, तो इस पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की होगी एग्जाम की तो आपको पहले से पता होगी. ठीक है, ऐसा कुछ भी नया नहीं दिया है इस पैसेज में, प्योर आपकी एक बुक की थ्योरी दी हुई है जिसे आप पहले से जानते होंगे अगर आपने स्टडी की है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की. तो यहां पर देखिए, ये जो पैसेज है बेसिकली आपका पावर सप्लाई का पैसेज है कि आप किस तरह से डीसी पावर और एसी पावर में कन्वर्जन करते हैं. ठीक है ना, तो यहां पर क्या दिया आप देख लीजिए, मैनी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर डीसी पावर फॉर देयर ऑपरेशन, दिस पावर इज अवेलेबल फ्रॉम अ पोर्टेबल सेल, हाउएवर द पावर आउटपुट इज लो बिसाइड्स अदर प्रॉब्लम्स, एसी पावर इज कंटिन्यूसली एंड ईजिली अवेलेबल, so it is convenient to use it. However, AC power must be converted into DC power. इसमें बता रहा है कि AC power continuously available होता है, easily available होता है और बहुत convenient होता है use करने के लिए. But फिर भी हमें AC power को DC power में convert करना पड़ता है. आगे बोलता है, the devices such as half wave, full wave, bridge rectifiers convert bidirectional voltage to unidirectional voltage. इसकी मीनिंग होती है बाई डायरेक्शनल मतलब एसी वोल्टेज और यूनि डायरेक्शनल मतलब डीसी वोल्टेज. ठीक है, बट एक्चुअल में ये डीसी आप बोल नहीं सकते अभी, डीसी के साथ साथ यहां पर रिएक्टिफायर में एसी भी आउटपुट में प्रेजेंट हो जाता है. तो इस तरह की डीसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी के नाम से भी जानते हैं. हाउएवर द आउटपुट हैज लार्ज रिपल कंटेंट, जो मैंने आपको अभी बोला कि रिपल कंटेंट मतलब आना चाहिए था आपका डीसी लेकिन साथ साथ में आपके एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं. फिल्टर्स आर यूज टू रिड्यूस द रिपल सिग्निफिकेंटली, वेरियस फिल्टर सर्किट्स आर एलसी एलसी सीएलसी, द पावर सप्लाई विथ रिएक्टिफायर एंड फिल्टर इज स्टिल अनरेगुलेटेड. तो जो आपका आउटपुट होता है रिएक्टिफायर्स का उसमें आपके एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों होते हैं, तो फिल्टर्स यूज किए जाते हैं इस एसी कंपोनेंट्स को, इस रिपल कंपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए. तो कुछ टाइप्स के फिल्टर बताया गया है. अगर आपने एनालॉग सर्किट स्टडी किया है स्पेशली, देखिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपने गेट के लेवल की पढ़ाई की है ना, मैं गेट के लेवल के न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल्स आप 2 मार्क्स के गेट के मत सॉल्व करिए, लेकिन जो स्टडी है वो गेट के लेवल की करिए, सारी थ्योरी सारे कंसेप्ट गेट के लेवल के स्टडी करिए, तो आपको ये सारी चीजें पता होती है कि एल फिल्टर क्या होता है, सी फिल्टर क्या होता है, एलसी क्या होता है, सीएलसी क्या होता है, वर्किंग क्या होती है उनकी, ये सारी बातें आपको पता होती. क्लियर है अच्छे से? नाउ लास्ट टाइम क्या बोलता है, द पावर सप्लाई विद रिएक्टिफायर एंड फिल्टर इज स्टिल अनरेगुलेटेड. अनरेगुलेटेड मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं होता आउटपुट आपका. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग आउटपुट को कांस्टेंट करने के लिए रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, यही कहा गया अगले पैराग्राफ में. लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ प्रोटेक्शन यूज करने होते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड सो ऑन. ठीक है, तो रेगुलेटर्स के बारे में बताया गया आपको लास्ट पैराग्राफ में कि रेगुलेटर्स कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स. रेगुलेटर के कुछ फीचर्स फैसिलिटीज भी दी गई थी, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई थी जिसे मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है. ठीक है ना, मतलब ओवरऑल जो समरी है वो एसी पावर को डीसी पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो हमें पता है ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, पहला ब्लॉक होता है रिएक्टिफायर, दूसरा ब्लॉक होता है फिल्टर का, और तीसरा ब्लॉक होता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर का. ये हमें पहले से पता होना चाहिए, इसके लिए इस थ्योरी की कोई नीड नहीं थी हमें. ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है मिनिमम सप्लाई वोल्टेज टू ऑपरेट आईसी 7815. ठीक है ना, तो जो आपका आईसी 7815 है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क की जाती है, वर्क करती है आपकी. ठीक है ना, पॉजिटिव वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है ये आउटपुट में. तो इसके लिए जो मिनिमम सप्लाई वोल्टेज है वो आपको पता होना चाहिए एज अ थ्योरी, वो होता है आपका 25 वोल्ट. तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा यहां पर. नेक्स्ट, अब आप देखिए 47 क्वेश्चन,
In low voltage, low current model, IC723 gives output voltage in the range of. तो मैं आपको बता दूं, IC723 भी एक voltage regulator है आपका, और ये जो आपको output देती है, low voltage और low current model में, output voltage जो देती है, वो 2 volt से 7 volt की range में देती है. तो जो आपका option number A है, वो यहाँ पर आपका correct हो जाएगा. Now, next question की अगर बात करूं मैं, question number 48, तो for a DC output of 30 volt from a full wave rectifier, the PIV rating of the diode should be minimum. ठीक है, तो अगर आपको DC output of 30 volt चाहिए from a full wave rectifier, तो जो PIV rating होती है आपकी, peak inverse voltage, वो आपकी होनी चाहिए 100 volt. ठीक है ना, ये इतनी PIV rating होनी ही चाहिए diode की, अगर आप satisfactory operation perform करना चाहते हैं तो. ठीक है, तो PIV peak inverse voltage होता है आपका. Now, next question, the critical inductance in mains power supply ensure that the current through L never becomes zero. For this critical value of inductance is, तो आपको यहाँ पर critical value of inductance बताना है, जिसके लिए property given है. Again, मैं फिर से यही बात repeat करूँगा, कि अगर आपको L filter का knowledge होगा, तो आप बड़े आराम से critical inductance का formula लिख सकते हैं, क्योंकि L filter में आप critical inductance study करते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर जो critical inductance का जो formula आता है, वो होता है RL upon 3 omega naught. ये हमारा value होती है critical inductance की. लेकिन यहाँ पर problem क्या है, कि यहाँ पर आपको 3 omega naught की जगह values दी हुई हैं. RL तो दिया हुआ है, but RL upon 310, RL upon 450, RL upon 620, RL upon 942. तो इसे calculate कैसे करें? तो आपको पता होना चाहिए कि mains power supply, ये आपको बोला हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो frequency use की जाती है, वो कितनी use की जाती है, 50 hertz की. तो हमें F0 की value पता होनी चाहिए, जो standard frequency है, वो है आपकी 50 hertz की. तो यहाँ पर LC कितना हो जाएगा हमारा, RL, जो कि numerator में है चारों option में, 3 into omega को क्या लिख सकते हैं, 2 pi F, तो 2 pi into 50. ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर multiplication करें, तो RL upon, देखिए, 3 into 50, 150 into 2, 300, तो 300 into 3.14, ये हमारी pi की value होती है, तो 300 into 3 क्या होगा, 900, ठीक है ना, 3.14 आप मत लीजिए, सीधा आप normal calculation करिए, 900 से ऊपर की value आएगी, तो आप देख सकते हैं 900 से ऊपर की value option number D में available है, 942. तो ये आपका आंसर हो जाएगा RL upon 942. तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला याद भी होता, रटा हुआ भी होता, तब भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता जब तक आपको ये नहीं पता होता कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज. क्लियर, तो 49th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन सीरीज पास वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जेनर डायोड, द फंक्शन ऑफ जेनर डायोड इज. ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे यूजिंग जेनर डायोड के थ्रू, बहुत ही फेमस होता है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए. ठीक है ना, तो जेनर डायोड का जो वर्किंग होती है, जो फंक्शन होता है, वो होता है एज अ वोल्टेज कंपैरेटर. वो वोल्टेज कंपैरेटर की तरह काम करता है, वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए काम करता है वो. क्लियर है अच्छे से, तो 50th क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. क्लियर, तो ये आपका पेपर यहाँ पर फिनिश होता है, UGC NET 2012 दिसंबर का पेपर. ठीक है, वैसे तो हमने स्टार्टिंग के पार्ट 3 बना रखे हैं पहले से, और मैंने आपको वहाँ पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. लेकिन लास्ट में मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा कि ओवरऑल 50 क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए. और इस पेपर के एंड में फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि स्टडी जो है, कंसेप्ट जो है, वो गेट लेवल के स्टडी करिए, गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, उससे आप बाकियों से अलग होंगे, आपका स्कोर जो है वो बाकियों से बेटर होगा. ठीक है ना, तो अभी के लिए गुड बाय.